हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैकेनिक्स का जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है अपना, उसके न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल सीजी वाले क्वेश्चन के नाम से फेमस है ना, तो चलिए करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं और हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाए गए खंड में गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने खंड है ना, ये आकृति है, इसमें गुरुत्व केंद्र की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं। देखो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी सिमेट्रिसिटी देखते हैं, है ना, कि ये जो आकृति है किसी अक्ष पर सममित है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम एक्स एक्स खींचते हैं या वाई एक्स खींचते हैं, तो कोई हमको सममित नहीं दिखती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अक्ष बनाएंगे। तो ये अक्ष बना दिया हमने, ये हो गया वाई एक्स और ये एक्स एक्स। इस तरह से अब इसको आगे खींचे तो एक्स डैश और ये वाई डैश, ये इसका मूल बिंदु हो गया। तो देखो यहाँ पर हम इस आकृति को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो इसके खड़े दो भाग कर लो या फिर इस तरह से दो भाग कर लो। तो यहाँ पर दो आकृति हो गए हमारे पास में, एक तो ये और एक ये, है ना। तो यहाँ पर देखो इसका जो क्षेत्रफल है उसको हम ए वन नाम देते हैं, इसको ए टू नाम देते हैं। इसकी गुरुत्व केंद्र से स्थिति, ध्यान दें x की स्थिति क्या होती है, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो 40 का आधा क्या होगा इधर से, तो यहां पर x1 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। x2 हम इसको ले लेते हैं, तो यहां से दूरी क्या हो जाएगी, देखो 40 तो ये है, 40 ये है, 40 का आधा 20, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो mm में है तो ये mm में ही होगा सब, उधर ये भी mm में ही होगा। तो ये तो x की स्थिति हो गई। अब हम y की स्थिति देखें, मतलब यहां से ऊपर की हो, तो इसकी स्थिति देखें तो ये इसके बीचों बीच आएगी। तो यहां से और यहां तक कितना है, ये 80, ये रहा 80, ये रहा 160, 160 का आधा कितना होगा, तो यहां पर y1 की स्थिति हो जाएगी 80, है ना mm। और y2 की स्थिति देखें इसकी, तो देखो 80 तो ये रहेगा रहेगा, और इस 80 का आधा 40, 40 और 80 कितना होगा 80 प्लस 40, ये हो जाएगा 120 mm, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने ज्ञात कर ली है। अब हम फॉर्मूले की सहायता से इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान दें गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम एक्स एक्स और वाई एक्स की स्थिति सदिश और स्थिति निकालते हैं। तो जैसे मान लो हम निकालते हैं एक्स बार, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू। ये हमने दो क्यों लिखा, दो बार इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आकृति है इसके हमने दो भाग किए हैं। तो नीचे फॉर्मूला क्या होगा, ए वन प्लस ए टू। इसी तरह से अगर वाई वन की बात करें, वाई बार की बात करें, तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। यहां पर इनके मान रखते हैं और कैलकुलेटर की सहायता से इसको हल करते हैं। तो ए वन, ए वन इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान दें इसकी लंबाई कितनी होगी, 160 और चौड़ाई 40। 160 इंटू 40 कितना हुआ, 64 मतलब 640 mm इंटू एक्स वन, एक्स वन का मान दे रखा है यहां पर 20 प्लस ए टू, ए टू इस आकृति का क्षेत्रफल, मतलब 40 तो इसकी लंबाई और 40 80 इसकी चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई इस तरह से 80 है और 40 इसकी चौड़ाई होगी। तो 40 इंटू 80 तो यह हुआ 320, 832, 320 इसका क्षेत्रफल हो गया 320 mm स्क्वायर। और इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, इसके केंद्र की स्थिति का सदिश, x की बात करें तो 60 दे रखा है यहां पर 60। नीचे a1 a2 जोड़ेंगे तो 640 प्लस 320, इसको हल करने के बाद में कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल कर यहां पर लिखेंगे। अभी मैं यहां पर वैल्यू लिख देता हूं, उसके बाद में कैलकुलेटर से इसको हल करेंगे। a1 का मान अपने आप ही 640 है, पहले निकाल चुके हैं। y1 की वैल्यू हम यहां से लिखेंगे 80 प्लस ए टू, ए टू की वैल्यू लिखेंगे हम यहां से 320 इंटू वाई टू, वाई टू की वैल्यू लिखेंगे यहां से 120 बटे 640 प्लस 320 बराबर। अब इसको हल करेंगे हम कैलकुलेटर की सहायता से, और जो वैल्यू आएगी वो हम सीधे इसके आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें 640 ब्रैकेट में 640 इंटू 20 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट स्टार्ट फिर से
ब्रैकेट, ये हो गया 32,000। इसमें भाग देंगे किसका, 640 प्लस 320 ब्रैकेट यहाँ, तो ये आंसर आता है इसका 33.33 mm। तो ये तो x की, x बार की वैल्यू आती है। इसी प्रकार से हम अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, हम वैल्यू निकालेंगे इसकी नीचे वाले की। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 640 इंटू 80 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट 320 इंटू 120 ब्रैकेट बंद। तो जब इसको हल करते हैं तो याद है 89,600। अब इसमें भाग देंगे हम 640 प्लस 320, तो ये आंसर निकल के आता है 93.33 mm। तो ये इसके दो आंसर होंगे, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। ये दो आंसर क्यों आते हैं ध्यान दें, जब हम इसमें देखेंगे तो ये x बार मतलब यहां से चलेंगे तो 33.33, तो ये हो गया 40 मतलब इससे थोड़ा सा पहले, और y बार 93.33 मतलब 80 ये हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहां पर ये बिंदु ऐसा होगा जहां पर इस आकृति का गुरुत्व केंद्र मौजूद होगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं इससे संबंधित। अभी चित्र में दिखाए गए जेड आकार का गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जेड आकार की आकृति है, इसका गुरुत्व केंद्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यहाँ पर तीन आकृतियां हैं हमारे पास में, तो देखो यहाँ पर कैसे हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं आगे, है ना, क्योंकि ये माप दे रखे 10 mm दे रखे, ये 2.5 mm इस तरह से दे रखी है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ही दे रखी है, तो इसमें से किसी एक को हमको छोटी करनी पड़ेगी। तो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे रह जाएगी। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सब ऐसे कर लेते हैं, तो ये आकृति हमारी छोटी रह जाएगी, तो हम इसको इस तरह से बांट लेते हैं, ठीक है। तीन आकृतियाँ हुई, एक ये रही, दूसरी ये हमारे पास में है, और तीसरी ये रही हमारे पास में, ये दूसरी और ये पहली, तीन आकृतियां होंगी हमारे पास में। अब इन तीनों आकृतियों को हम एक एक करके एक क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर A1 लिखते हैं पहले, पहली आकृति का क्षेत्रफल। तो ध्यान दें, लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर, चौड़े 2.5 mm है सब कुछ। तो 10 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 mm स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसकी बारे में बात करें तो ये हम A2 यहाँ पर ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ध्यान दें यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो ये 5 mm घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, 15, है ना, 15 × 2.5, चौड़ाई इसकी 2.5 है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो कितना होगा, 15 × 30 और 15 × 10 = 7.5, तो 37.5 हो जाएगा ये, इसको गुणा करने पर 37.5 mm स्क्वायर, है ना, ये इसका हो गया। इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका मैं नीचे लिख लेता हूँ, A3 बराबर 20 mm इसकी लंबाई है, चौड़ाई 5 है, तो 20 × 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 × 5 तो ये हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। ये हमने तीनों के क्षेत्रफल निकाल लिए, है ना। अब क्या करते हैं, इसके गुरुत्व केंद्र स्थिति ज्ञात करने के लिए यहां से हम क्या करते हैं, अक्ष बना लेते हैं। तो ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्थिति का सदिश स्थिति निकालते हैं, मतलब x1 x2 x3, ये साइड से हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर x1 वाई अक्ष से दूरी होगी, मतलब ये जो दूरी है इसकी आधी 10 की आधी 5 mm। तो अब यहां पर देखो ये इसकी आधी होगी, ढाई का आधा कितना होगा, 1.25 प्लस ये जो दूरी है, ये दूरी हमको निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकाली, देखो टोटल कितनी है 10, 10 में से 2.5 तो ये रही, तो ये कितनी बची 7.5, तो 7.5 इसमें हम ऐड कर देंगे,
तो टोटल कितना हो गया ये 8.75 mm जोड़ने पर, है ना। इस तरह से एक्स थ्री निकाले तो यहां से ये दूरी कितनी है 7.5 mm प्लस यहां पर ये 20 है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो ये जोड़कर कितना हो गया 17.5 mm। तो ये इनके एक्स अक्ष से इनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकल गई। अब इस तरह से वाई निकाल लेते हैं, वाई वन वाई टू वाई थ्री तीनों निकालनी पड़ेगी हमको। तो देखो वाई हम कहां से निकालेंगे, एक्स अक्ष से सीधी दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं वाई वन। तो यहां से देखो यहां से यहां तक तो 20 हो गई, है ना, 20 प्लस ये जो है इसकी आधी हो जाएगी, तो ढाई की आधी कितनी होगी 1.25, 1.25 सीधे सीधे जोड़ने पर क्या होगा 21.25 mm, ये इसका वाई वन हो गया। अब वाई टू निकाले तो देखो यहां से यहां ये हो गया 5 और ये कितना है 15, 15 का आधा कितना होगा देखो 5 तो ये नीचे का हो गया, प्लस 15 का आधा 7.5, तो जोड़ने पर कितना होगा 12.5 mm, है ना। अभी नीचे वाला देखो, नीचे वाला तो यहीं से सीधे जुड़े, तो ये कितना हो जाएगा 5 का आधा 2.5 mm। जो हमने बेसिक चीजें निकालनी थी वो हमारी निकाल ली हमने, अब सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। इसी प्रकार से वाई वन की वैल्यू क्या होती है, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है। हाँ देखिए अब क्या करते हैं, यहां पर ये वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं हम, तो इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर ए वन का मान है 25 इंटू एक्स वन की वैल्यू है 5 प्लस ए टू की वैल्यू है 37.5 इंटू एक्स टू की वैल्यू है 8.75, 8.75 प्लस ए थ्री की वैल्यू है यहां पर 100, 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 17.5 से 17.5, है ना। तो ये हो गया, और नीचे जब इनको जोड़ेंगे तो 25 प्लस 37.5 प्लस 100 आगे हल करने पर सीधे कैलकुलेटर से निकालेंगे। इसी तरह से मैं यहां पर इनकी वैल्यू रखता हूं, ए वन की वैल्यू 25 इंटू 21.25 प्लस 37.5 इंटू 12.5 प्लस ए थ्री वाई थ्री, ए थ्री वैल्यू तो 100 है, इंटू वाई थ्री की वैल्यू है 2.5, 2.5 और नीचे की वैल्यू है 25 प्लस 37.5 प्लस 100। इनकी वैल्यू सीधे कैलकुलेटर से लिखेंगे हम, तो देखो मैं हल करता हूं यहां पर 25 इंटू 5 125 होता है ना, प्लस 37.5 इंटू 8.75 प्लस 100 इंटू 17.5 ये वैल्यू आई है 2203, 2203.125। इसमें भाग देंगे हम 25 प्लस 37.5 प्लस 100, तो ये वैल्यू निकल कर आती है 13.55, 13.557 mm। एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर भी निकालते हैं। देखो यहां पर ब्रैकेट के अंदर 25 इंटू 21.25 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ब्रैकेट 37.5 इंटू 12.5 ब्रैकेट बंद, प्लस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट
100 इंटू 2.5 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 1250 आती है वैल्यू। अब इसमें हम भाग देंगे किसका, 25 प्लस 37.5 प्लस 100, तो ये वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास में 7.69 mm। ये y बार की वैल्यू है हमारे पास में, ये हमारा दूसरा आंसर है। अब देखिए ये हमारे आंसर हैं, तो इसको हम इसमें चेक कैसे करेंगे कहां पर ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो देखिए 13.55 यहां से 13.55 x पर चलेंगे तो ये यहां पर 20 हो जाता है, नहीं यहां पर हो जाता है, ये यहां से यहां तक 10 हो जाता है। तो 10 से तो आगे चलेंगे हम, मतलब थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा हमको, ये होगा लगभग इतना आगे है ना, और y मतलब 7 चलना पड़ेगा, तो 5 तो यहां पर हो जाता है, तो इससे ऊपर थोड़ा सा इस पॉइंट पर चलेंगे हम, तो ये हो जाता है हमारा गुरुत्व केंद्र की स्थिति, मतलब ये हमारा इसका CG होगा इस आकृति का। तो ये इस आकृति से बाहर आ रहा है CG, ये जो आकृति है उसके अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, या कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू।